तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। तो यहाँ पर BTUP बोर्ड की नई यहाँ पर अपडेट आ गई है, जो आपके यहाँ पर 16 अगस्त से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसको लेकर आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे। क्या क्या यहाँ पर आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, पूरी यहाँ पर अपडेट BTUP बोर्ड ने दे दी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लीजिए। यह मैंने जो आपकी फाइल है टेलीग्राम चैनल पर मैंने भेज दी हुई है, जाके वहाँ पे ज्वाइन कीजिए और इस फाइल को डाउनलोड करके आप पूरा पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपकी नोटिस है 9 तारीख अगस्त को, मतलब 9 अगस्त को यहाँ पर आपकी अपलोड की गई है। प्रेषक कौन है, यहाँ पर आपके सचिव हैं, आपके प्रावधिक शिक्षा परिषद के। किसको भेजी गई है, सभी प्रधानाचार्य को, और यहाँ पर कह सकते हैं छात्रों के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट। विषय क्या है, प्रावधिक शिक्षा परिषद की आगामी सेमेस्टर की वार्षिक परीक्षा 2021 को ऑनलाइन माध्यम से कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश आए हैं। आपकी जो आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन होने हैं उसको लेकर आपके दिशा निर्देश आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि ये देखिए ये चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा उक्त के क्रम में परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराए जाने हेतु प्रादेशिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा बिंदु व निम्न नियम निर्धारित किए गए हैं, जो कि आगे यहाँ पर निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ नियम हैं जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नियम आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, अगर आप फर्स्ट आप अगर यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर सेकंड सेमेस्टर में हैं और आप अगर फोर्थ सेमेस्टर में, तो आपका एग्ज़ाम जो है 1 आवर का होगा और आपके 25 क्वेश्चन प्रत्येक आपके प्रश्न में आपके आएंगे, 25 क्वेश्चन का आपको पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 6th सेमेस्टर में हैं तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम जो होगा वह आपका 1.5 घंटे का होगा और 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये यहाँ पर अभी इन्होंने अपडेट दी हुई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आप जो भी छात्र छात्रा हैं वह अपना यहाँ पर इंटरनेट सुनिश्चित कर लें, मतलब कि आपका जो इंटरनेट है वह होना चाहिए और अच्छी खासी स्पीड भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका वीडियो भी जाएगा, आपकी स्क्रीन भी शेयर होगी, सब कुछ आपका जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर लाइट भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, कम से कम आप यहाँ पर जिस कमरे में बैठे उसमें 2 बल्ब आपके होने चाहिए, तभी आपकी अच्छी रोशनी हो पाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर हमको दिक्कत आई है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, एक तो इन्होंने कहा है कि कोई अनवांटेड नॉइज़ ना होनी चाहिए, और उसके बाद इन्होंने लिखा है कि साइबर कैफ़े में जाके दे सकते हैं, संस्थान में भी जाके दे सकते हैं, और इन्होंने ये भी बोला है कि आगे पीछे कोई आपके होना नहीं चाहिए रूम में। तो जब आप साइबर कैफ़े में देंगे जाके, वहाँ तो कई सारे लोग होंगे अगर एग्ज़ाम दे रहे होंगे, अगर आप अपने संस्थान में दे रहे हैं तो वहाँ पर भी कई सारे लोग होंगे, तो वहाँ पर तो ये चीज़ आपकी लागू हो नहीं पाएगी। तो अगर साइबर कैफ़े में दे रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पर शोर भी हो और यहाँ पर कई सारे लोग भी हो सकते हैं। अगर आप संस्थान में दे रहे हैं तो शोर तो होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन वहाँ पर भी कई सारे स्टूडेंट होंगे या टीचर होंगे, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आगे यहाँ पर लिखा है कि जिस आप मेज कुर्सी पर बैठे वह आपकी यहाँ पर साफ़ होनी चाहिए, उस पर कोई आपकी किताब वगैरह नहीं होनी चाहिए, सिर्फ यहाँ पर एक आपके पास सादा पेपर होना चाहिए जो यहाँ पर आपको रब कार्य करने के लिए हो, सादा पेपर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कैलकुलेटर आपका नॉन प्रोग्रामेबल, मतलब कि यहाँ पर और कोई इसमें प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका यहाँ पर जोड़ घटाना और रूट भाग जो गुणा है वही हो पाए और कुछ नहीं हो पाए। तो यहाँ पर नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर आपको प्रयोग करना है, जिसे यहाँ पर प्रोक्टर कह सकते हैं कि आप अपना कैलकुलेटर दिखाइए। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि आसपास की मेज दीवारों पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए और यहाँ पर संगीत टेलीविज़न जैसी की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें काफ़ी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अब संगीत ध्वनि टेलीविज़न की अनुमति नहीं है, तो यहाँ पर इस तरह की ध्वनियाँ अगर आप यहाँ पर कैफ़े वगैरह पे देंगे तो वहाँ पर तो आनी है, ये अब देखने वाली बात होगी। आगे यहाँ पर आपको फॉर्मल ड्रेस में बैठना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। MCQ बेस्ड होगा। 7वां नंबर जो मैंने आपको बताया कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 90 मिनट मिलेगा। जो यहाँ पर अंतिम सेमेस्टर को छोड़ के जो भी हैं उनके 25 प्रश्न होंगे, उनको 1 घंटा मिलेगा, और आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप सभी प्रश्न कीजिएगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, प्रत्येक प्रश्न का एक ही सही उत्तर होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर लिखा है अगर आपका 15 मिनट से ज़्यादा आपका इंटरनेट काम नहीं करता या रुक जाता है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम आती है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर जो आपके अनुत्तरित प्रश्न होंगे, मतलब कि जिनका आपने उत्तर नहीं दिया है, उनका आपको क्रम भी चेंज मिलेगा, क्रम परिवर्तित हो सकता है। उसके बाद ये भी बोला गया जैसे कि आपने कोई प्रश्न छोड़ दिया, आपको नहीं आ रहा, आपने सोचा कि बाद में इसको देख लेंगे, तो हो सकता है वो भी आपको उस दौरान दिखे, तो वह यहाँ पर आपका बोला गया, मतलब कि जो नंबरिंग है
क्वेश्चन की वह जरूर चेंज होगी और विकल्प को भी ऊपर नीचे किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे क्या होगा कि जो लोग सोच रहे हैं कि जैसे कि 1 का ए, 2 का बी, 3 का डी, इस तरह वाली जो आप चीज़ सोच रहे हैं कि सामने किसी को बैठा लेंगे, ये कर लेंगे, तो ये आपका नहीं हो पाएगा। जब तक आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कोई किसी भी प्रकार की नकल नहीं कर पाएंगे। पूरा क्वेश्चन, पूरे विकल्प आपके सामने होने चाहिए। ऑनलाइन परीक्षा के प्रारंभ के 30 मिनट पूर्व आपको लॉगिन करना आवश्यक है। उसके बाद अगर आप नहीं सबमिट करते तो ऑटो सबमिट आपका 1 घंटे 45 मिनट में हो जाएगा, अगर आप फाइनल ईयर है, आप फाइनल सेमेस्टर के हैं। अगर आप यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो यहाँ पर आपको 1 घंटे 15 मिनट में आपका फाइनल सबमिट अपने आप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि आपको यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा है तो सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए युवराज पोर्टल पर उपलब्ध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक यूआरएल, यूजर आईडी एवं पासवर्ड दिया जाएगा, जिस पर छात्र छात्रा का जो विवरण है वह देना होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर अभी आपने युवराज पोर्टल पे अपनी ईमेल और मोबाइल सही से अपडेट नहीं किया है तो उसको अपडेट कर लीजिए, क्योंकि उसी पर आपका जो है यूआरएल आएगा। यूआरएल पे ही आपको यहाँ पर क्लिक करके सभी चीज़ें आपको भरनी होंगी। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि सॉफ्टवेयर द्वारा प्रत्येक छात्र छात्रा का 4 से 5 बार फोटो क्लिक करना होगा और डॉक्यूमेंट से आपका मिलान किया जाएगा और वेरीफाई भी कराया जा सकता है संस्थान के द्वारा। आगे लिखा है यहाँ पर छात्र छात्रा को अपनी आईडी भी सबमिट करनी होगी, साथ ही उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी सत्यापित करना होगा। उसके आगे लिखा एडमिट कार्ड दिखाई देगा छात्र को, उसके बाद यदि कोई त्रुटि होती तो वहीं पर वह दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेगा, मतलब कि वहीं पर आप सही करा सकते हैं इस चीज को। आगे लिखा हुआ है इसी दौरान छात्र मॉक टेस्ट भी दे सकेगा। अब ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि आप मॉक टेस्ट परीक्षा के 1 घंटे पहले कराने के मूड में है क्या, क्योंकि इसमें लिखा इसी दौरान प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर छात्र छात्रा मॉक टेस्ट दे पाएगा। तो ये यहाँ पर आप पॉइंट याद रखिएगा, अभी इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है मुझे। आगे यहाँ पर है समस्त छात्राओं को अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी क्रियाशील अवस्था में अपडेट रखना, जो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए पंजीकरण का यहाँ पर आपका दिनांक वगैरह भी आ गया है। अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में है और केवल अंतिम वर्ष, और अगर आप वार्षिक परीक्षा जो यहाँ पर फार्मेसी वाले हैं तो उनके लिए 12 तारीख से 15 तारीख तक यहाँ पर आपका भी पंजीकरण स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप वार्षिक परीक्षा फार्मेसी एवं टूल एंड मोल्ड मेकिंग के समस्त छात्र हैं तो आपका 17 से 20 के बीच में आपका पंजीकरण हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं एवं वार्षिक प्रणाली केवल फार्मेसी प्रथम ईयर के छात्र हैं तो यहाँ पर आपका 21 से आपका 26 के बीच में पंजीकरण हो जाएगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पर है कि ऑनलाइन परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों को प्रतिभाग करना अनिवार्य है। अगर कोई यहाँ पर उपस्थित होता है तो परिणाम में आपके विलंब होगा। अंतिम वर्ष के छात्रों को डिप्लोमा प्राप्त करने में विलंब होगा और जो यहाँ पर अंतिम वर्ष के, मतलब गैर अंतिम वर्ष के छात्र हैं, उनको यहाँ पर आगे के सेमेस्टर में जाने के लिए भी प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पर आगे लिखा है यहाँ पर आपको हेल्प डेस्क की यहाँ पर सुविधा दी जाएगी, जो यहाँ पर आप कॉल करके हेल्पलाइन नंबर वगैरह आपको दिया जाएगा। अब वो आप समझ ही सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर 5 भी हेल्पलाइन नंबर देते हैं तो वो इतने बिजी रहेंगे कि आप कॉल करेंगे अभी जाएगा 1 घंटे बाद तक में, तो इतना यहाँ पर बिजी रहेंगे। तो ये तो मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा वर्किंग नहीं होगा, बाय चांस ही आपके कॉल लग जाए तो लग जाए, नहीं तो आप वहाँ पर देखते ही रहेंगे। उसके बाद देखिए आगे, अब ये है कि प्रॉक्टर के द्वारा हो जाए, मतलब जो प्रॉक्टर है उसके द्वारा हेल्पलाइन हो जाए तो वो आपके लिए यहाँ पर सही रहेगा। आगे यहाँ पर लिखा है कि अगर नकल करते पकड़ेगा या कोई अनवांटेड चीज़ करते पकड़ेगा और प्रॉक्टर को लगता है कि आपने नकल की है तो यहाँ पर UFM के नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोशिश करें कि नकल ना करें, और अगर करें भी तो बहुत ही सावधानी से करें। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसकी मैंने पूरी नोटिस आपके ग्रुप पे, जो टेलीग्राम चैनल है, मैंने भेज दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं कि BTOP बोर्ड ने पहले छात्रों को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्या किया है कि मिस गाइड किया। पहले आप कहते हैं प्रमोट होंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले, उसके बाद आपने प्रमोट नहीं किया, उसके बाद कहते हैं ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे। कॉलेज में पूछो तो बोलेंगे बेटा आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन हो सकते हैं, आप लोग रेडी रहिएगा ऑफलाइन के लिए भी। अब पता नहीं सब क्या चल रहा था। अभी देखिए यहाँ पर एक न्यूज़ और आई थी कि एजेंसियाँ यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, अभी यहाँ पर एजेंसी का चयन होना है। एजेंसी का चयन होगा उसके बाद मॉक टेस्ट कराया जाएगा, देखिए क्या कब तक होता है। अभी ये यहाँ पर आपका दिशा निर्देश ये वाला आ गया है, इसको आप पढ़ लीजिए पूरा सावधानी से और इसी के अनुसार अपने आगे की आप तैयारी कीजिए। तो उम्मीद है आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।